आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सात संकेतों के बारे में, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपका पूजा पाठ सफल हो रहा है, आपको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की कृपा आप पर होना शुरू हो गई है। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पहला संकेत, धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है, लोगों की बुराई से दूर रहता है, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे सुख हो या दुख। जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने इष्ट देवी देवता की आराधना करता है अथवा निस्वार्थ सेवा साधना सत्संग करता है, ऐसे हृदय के पवित्र करुणामय भक्त के ऊपर निश्चित ही देवी शक्तियाँ मदद करती हैं। यानी कि इंसान अगर अच्छे मार्ग पर चल रहा है तो निश्चित ही दैवीय शक्तियों का हाथ उसके ऊपर रहता है, जिसके कारण जीवन में अनावश्यक संकट, चोट, चपेट, अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना से व्यक्ति मुक्त रहता है। दूसरा संकेत, कई ऐसे संकेत हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो सीधे तौर पर ईश्वर की कृपा, दैवीय शक्ति का हाथ व्यक्ति के ऊपर है या नहीं जाना जा सकता है। दैवीय कृपा के संकेत किसी को पूर्वाभास के रूप में, किसी को स्वप्न में प्राप्त होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को किसी विशेष जगह पर सुगंधित वातावरण का एहसास होता है, अथवा रोशनी का पुंज दिखाई पड़ता है, अथवा अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़ती है। यह सभी संकेत दैवीय कृपा प्राप्ति के संकेत हैं। पूर्व जन्म के पाप फल अनुसार कभी कभी कृपा मिलती है, लेकिन व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। तीसरा संकेत, जब आपको शक्ति मिलती है और आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, सबसे पहले होता है माथे पर। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो शक्ति जब आई है तो वह माथे पर आपके दर्द होता है, खिंचाव होता है, आपको मीठी मीठी खुजली होती है। आपके माथे पर जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, जहां हमारा आज्ञा चक्र होता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि वह शक्ति आपकी दिव्य दृष्टिकोण खोलना चाह रही है, आपको जगत को दिखाना चाह रही है, आपकी जो शिक्षक इंद्रियां होती हैं, उनको जागृत करना चाह रही है, जिससे आपको इस प्रकार का हल्का हल्का दर्द रहता है। यह दर्द हर समय रहता है, दवाई ले लोग तब भी। और बात करें इस दर्द की, तो कुछ समय बाद, हफ्ते बाद, यह दर्द चला जाता है। आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चौथा संकेत, आपकी कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई शक्ति आती है, शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर बैठी होती है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, जो उससे नीचे मूलाधार चक्र होता है, तभी हमारे अंदर देवी शक्तियां हैं, जो वह जागृत होती हैं। तो जब कोई शक्ति आपके शरीर में आई, प्रवेश करती है, तो वह मूलाधार चक्र पर बैठती है, और मूलाधार चक्र से आपकी कुंडली के साथ वह शक्ति चलती है ऊपर की तरफ, अन्य चक्र की तरफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में दर्द है, कोई सांप सा रेंग रहा है, आपकी कमर में हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है, आपकी कमर में लेटते समय भी महसूस होता है, बैठते समय भी महसूस होता है, खड़े होते समय भी वह महसूस होता है। दवाई लेने के बाद वह दर्द नहीं जाता, यह दूसरा दर्द होता जो आपको महसूस होता है। पांचवा संकेत, जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको सूक्ष्म चीजें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। आपकी आंखों से बहुत ही सूक्ष्म चीजें जो हैं, वह आपको दिखाई देने लगती हैं। आपको प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कोई देवता, वह भी दिखाई देने लगते हैं, या घर परिवार में किसी न किसी को अवश्य दिखते हैं। आपकी खुली आंखों से आप उन्हें देख पाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रेत बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत दी है उन्होंने, यह सब चीजें आप देख पाते हैं। यहाँ तक कि कई बार आपको रात में आवाजें सुनाई देंगी, और वह सिर्फ आप ही को सुनाई देंगी,
जैसे कि छन छन की आवाज। आप अपने घर में नकारात्मकता है, कोई भूत प्रेत आदि, और अगर उसकी कोई हरकत है तो वह सुनाई देगी। जैसे कई बार आवाज सुनाई देगी घर से पत्थर गिरने की। यह सब इस व्यक्ति को सुनाई देती है जिस व्यक्ति को कोई शक्तियां मिली होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कोई शक्ति आपके पास जरूर है। छठा संकेत, साधना करते हैं तो हमारे मुख से निकले शब्द सच होने लगते हैं, हमारी जीभा सिद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है, कई लोगों को और साधकों को वह ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आवेश में आकर अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और वह सच हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। साथ ही वह पाप का भागीदार भी बनेगा, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए चीजों का प्रयोग किया। तो आपकी जीभा से निकली हुई चीजें सत्य हो जाती हैं। आपके जीभा से निकले हुए जो भी वचन है किसी के लिए भी आप बोल देते हैं तो वह सच हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कभी ऐसा व्यक्ति जब बोल देता है तेरी नौकरी लग जाएगी इतने दिन के अंदर, या लड़का होगा इतने दिन के अंदर, इस प्रकार के वचन सच हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां होती हैं। सातवां संकेत, आपके हाथों में जल शक्ति आपको मिलती है तो आपकी ऊर्जा जो है वह विभाजित हो जाती है। आपने अधिकतर भक्तों को, साधकों को देखा होगा, वह किसी के सिर पर हाथ रखते हैं तो प्रेत हाजिर हो जाते हैं, उसको मार लगती है। तो इसके पीछे कारण यह होता है कि आपके हाथ से प्रवाह होकर वह ऊर्जा जो आपके अंदर है, वह ऊर्जा उसे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित होती है। जो सूक्ष्म शक्ति है उसके अंदर उसको जागृत करती है। तो आपके हाथ से अगर लोगों को आराम होना शुरू हो जाए, सिर्फ हाथ रख रहे हो तो उसका आराम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब देवी शक्तियां आपको प्राप्त हो चुकी है। यह शुरुआत ही समय होता है। इस समय पर आपको इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना। एक आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके ऊपर दैवीय शक्तियों की कृपा का हाथ है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। इस जटिल विषय को गहराई से समझने के लिए एक दृष्टांत याद आता है। एक व्यक्ति जो दिन रात सच्चे मन से पूजा पाठ करता था, साधक था, भगवान का भक्त था, जब वह सुबह नदी के किनारे जाता था तो उसे अपने दो पैरों के निशान के पीछे भगवान के दो और पदचिन्ह भी दिखाई पड़ते थे, यानी कि उसे चार पैरों के निशान दिखाई देते थे। जब उसका समय खराब आया तब उसने देखा कि उसे केवल दो ही पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। इस पर भक्त भगवान से नाराज हो गया और भगवान से शिकायत करने लगा, हे भगवान, जब मुझे आपकी जरूरत थी, जब मेरी नैया डूब रही थी तो मुझे आपका सहारा नहीं मिला। सुख में आप मेरे साथ थे परंतु दुख में आपने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर भगवान ने भक्त को बताया, तुम गलत समझ रहे हो, जब तुम्हारा समय खराब था तो तुम तो चलने लायक ही नहीं थे, मैं ही तुम्हें गोद में उठाकर ले जाता था। जो तुम्हें पैरों के केवल दो ही निशान दिखाई दे रहे थे वे तुम्हारे नहीं मेरे थे। इस दृष्टांत से यह आशय निकलता है कि ईश्वर की दैवीय कृपा को महसूस करने अथवा समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो MV म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।